हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन दी कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो जो फोर्सेस एक्ट करते हैं बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड वो दो है। एक तो है हमारा वेंडरवॉल फोर्स और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। वेंडरवॉल फोर्स में क्या होता है, एक एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकेंड एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो रिपेल करते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस सेकेंड एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, राइट। और ऐसे सेकेंड एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन दी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दी अदर एटम। और इसमें एक वेंडरवॉल फोर्स में ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पर ये बहुत स्ट्रांग क्यों नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं वो एक दूसरे को पुल करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्लोरीन का लेते हैं। तो हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन के पास 17 एटॉमिक नंबर है, यानी कि 17 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और उसके पास अगर हम कहते हैं 35, राइट, उसका एटॉमिक मास है, तो उसके पास 18 न्यूट्रॉन्स हैं और उसके पास 2.8.7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ऐसे हमारे पास सेकेंड क्लोरीन है, सेकेंड क्लोरीन के पास भी 18 न्यूट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास 2, राइट, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दो क्लोरीन है। अब क्या है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन ऑर्डर टू हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों को स्टेबल होना है, इसलिए उन्होंने शेयर तो कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग हो गई और क्लोरीन मॉलिक्यूल ही बन गया। अब जो मॉलिक्यूल्स जब ये पास आ गए, व्हेन दे कम क्लोजर, तो ये जो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रिपेल करेंगे। लेकिन ये जो आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं, 18 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इतना स्ट्रांग होगा कि अपने 287 तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे सेकेंड क्लोरीन का न्यूक्लियस भी ये 7 को अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये स्ट्रांग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम नेचर के ये पास आने पर रिपेल। ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है एंड इट इज कंसिडर टू बी एज वन ऑफ द यू नो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अगर वीक बॉन्ड्स में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कंसिडर करते हैं एंड इट इज एक्चुअली वॉट, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, बिटवीन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन। ठीक है, और ये बन सकता है बिटवीन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो हाइड्रोजन है ही, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्या है, दे आर हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो से नाइट्रोजन के पास मान लो पार्शियल नेगेटिव चार्ज 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 हो जाएगा, फ्लोरीन के पास 3 हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करके। तो ऐसे में क्या है, जब कहीं पे भी सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी अगर पास आता है, सो व्हाट विल हैपन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके ऊपर एक मेरा सेपरेट वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, राइट। तो दो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे कि हमारा जो कंपाउंड है उसका स्टेट जो है वो सॉलिड है या लिक्विड है, राइट, और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। Do subscribe and like my channel. Okay.